प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सुरसरता को और दबाएं इस बेल आइकन को। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं पवन शास्त्री और आज एक सोहर लेकर के मैं आया हूं आप लोगों के लिए। कहावा में जन्मे ले राम, कहावा कृष्ण जन्मे हो, बड़ा ही प्यारा सोहर है। तो आइए इसको देखते हैं हमेशा की तरह सी शार्प। पहली काली से मैं इसको प्ले करने वाला हूँ। कहावा ले जन्मे ले राम, तो कहावा में कृष्ण जन्मे हो, ललना कहावा में जन्मे गणेश, तो तीनों घरवा मंगल होला हो। तो ये चीज है, यहाँ से चलेंगे हम अपने साथ से कैसे, सारे रेमा, ये चला सारे रेमा, कहावा में जन्मे, कैसे कहावा में ये तीन रीड लगेंगी, कहावा में, इसके आगे कहावा में जन्मे, जन्मे का जो में अक्षर है वो हमारा आएगा पा पे, बाकी सब माँ पे ही रहेगा। तो जन्मे में और ले दोनों पा पे, कहावा में जन्मे ले राम, तो राम में राम, तो रा आया धा पे और बाकी हमारा पा पे, देखें कैसे। कहावा में जन्मे ले राम, तो माँ आया हमारा पा पे और तो आया हमारा माँ पे, कैसे राम तो, ठीक। देखें कहा एक उंगली से बता रहे, कहावा में जन्मे ले राम तो, इसी पे है, देखें इसको, कृष्ण जन्मे हो, इसके आगे का ललना का, ठीक। सारे गा, तीन रेट लेके सारे गा, ललना कहावा में, ललना कहा, ये हो गया ललना कहावा में रे सानी में, और फिर जन्मे गणेश, तो ये जाएगा पूरा नी सा रे गा रे सानी, और फिर वैसे ही वापस आएगा नी सा रे गा और फिर रे सा नी, ये क्या चीज है उसको देखें। ठीक, जन्मे गणेश तो, जन्मे गणेश तो, यहां से गए गा तक और फिर गा से ये वापस आ गए, नी सा रे गा रे सा नी, जन्मे गणेश तो, और फिर ये जाएंगे तीनों घरवा मंगल होला हो, और इस बार जो है नी सा रे गा रे सा सा, सा पे ही रुक जाएंगे, नी पे नहीं जाएंगे आखिरी में, कैसे ललना कहावा में जन्मे गणेश तो, तीनों घरवा मंगल होला हो। और बाकी के जो अंतर हैं सेम ऐसे ही प्ले होने वाले हों, एक अंतरा और मैं इसको जो है ये स्थाई है, लेकिन स्थाई और अंतरा सेम ऐसे ही प्ले होंगे, तो एक अंतरा इसका मैं प्ले करके दिखा देता हूँ, देखें। अवध में जन्मे ले राम, तो मथुरा में कृष्ण जन्मे हो, ललना पर्वत पे जन्मे गणेश, तो तीनों घरवा मंगल होला हो।
बाकी सेशन 3 सेम ऐसे ही प्ले होने वाले हैं, तो उम्मीद है आपको मेरा ये सॉन्ग पसंद आया होगा। और अगर मेरा ये सॉन्ग आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि ऐसे ही तमाम वीडियोस आप तक पहुंचते रहें।